चैट पे आप लोग बता देंगे, स्क्रीन शेयर हो गया। मिल जाएगा आप लोगों को, नेटवर्क इशू है और अभी थोड़ी देर में सबको स्क्रीन मिल जाएगा, वेट कर ले थोड़ा देर। मिल रहा होगा, आई होप कि मिल रहा होगा स्क्रीन सबको। नहीं मिल रहा होगा तो आप माइक भी ऑन करके हमको बता सकते हैं। ऐसे मैंने प्रेजेंट कर दिया, स्क्रीन प्रेजेंट हो गया होगा। तो आप यहाँ देखिए, एक्सेल में मैं हम लोग पढ़ रहे थे और प्रैक्टिकली समझेंगे तो बहुत अच्छी बात है। एक्सेल का स्क्रीन आप लोगों के पास जा रहा होगा और स्क्रीन अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप लोग माइक ऑन करके बताएंगे, अदरवाइज मुझे नहीं पता चलेगा, मैं स्क्रीन पे पढ़ाता रहूँगा, तो इसलिए आप लोग माइक ऑन करके भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे फॉर्मेटिंग अभी हम लोग पढ़ेंगे कि एक्सेल में फंक्शन वगैरह पढ़े थे, तो एक चीज़ और देखना है कि हम लोग क्या सेल को फॉर्मेट वगैरह कर सकते हैं कि नहीं, अपने अकॉर्डिंग उसको बना सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग बनाने के लिए अपने यहाँ पे आपको सेल दिख रहा है, सेल दिख रहे हैं, तो सेल दिख रहे हैं तो इसको अपने अकॉर्डिंग बनाने के लिए जैसे कि हम जैसे चाहें वैसा फॉर्मेटिंग हो। तो आप देखिए, कोई भी नंबर अगर हम पुट करते हैं 1, 12, 25, ठीक है, एक चीज़ और इसमें ध्यान दीजिएगा कि जो नंबर होता है ना वो बाई डिफॉल्ट उसका अलाइनमेंट क्या हो जाता है, आप देखिए बाई डिफॉल्ट अलाइनमेंट इसका राइट है। लेकिन वही अगर आप टेक्स्ट पुट करते हो, जैसे कि यहाँ पर मैंने डाल दिया VVP, तो ये टेक्स्ट हो गया, तो बाई डिफॉल्ट अलाइनमेंट इसका क्या हो गया, राइट साइड हो गया। ठीक है, ये नोट डाउन करने वाली बात है, ये सब पूछा जाता है, नॉर्मल सी बातें पूछ ली जाती हैं जो कि आदमी ध्यान नहीं देता है। लेकिन यहाँ टेक्स्ट का अलाइनमेंट लेफ्ट होता है बाय डिफॉल्ट और नंबर का अलाइनमेंट बाय डिफॉल्ट क्या होता है, तो वो राइट होता है। अगर स्क्रीन सही से नहीं दे रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको और क्लियर नज़र आए। तो ये रहा हमारा स्क्रीन। अब ये देखिए कि ये नंबर है, अब हो सकता है कि फ्लोटिंग नंबर आपको देना पड़े। फ्लोटिंग का नंबर का मतलब आप ये समझ रहे हैं कि फ्लोटिंग नंबर मतलब जिसमें डेसिमल पॉइंट इंक्लूडेड है। तो अगर मैं ज़बरदस्ती देना चाहता हूँ तो मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लिखा कि 25.55, ठीक है, और इंटर किया, देखिए 25.55 लिख दिया मैंने और एंटर किया, तो ये आ रहा है कि 25.55। अब यहाँ पर देखिए कि अगर आपको इस सेल में इस तरह की पॉइंटिंग वैल्यूज रखनी है नहीं रखनी है, ये आपको डिसाइड करना है। तो इस तरह की पॉइंटिंग अगर आपको रखनी है तो आप राइट क्लिक यहाँ करें, राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल लिखा हुआ है, फॉर्मेट सेल पे जाइए। फॉर्मेट सेल पे जब आप क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। डायलॉग बॉक्स में हमको ये चूज़ करना है कि हमारा जो डिजिट है, जो गिवन नंबर है, वो किस तरीके से रहना चाहिए, वो इंटीजर में रहना चाहिए या फिर रियल नंबर्स में रहना चाहिए, किस तरह के नंबर्स में रहना चाहिए। तो ये हम डिसाइड कर सकते हैं कि वो कैसा रहेगा।
तो चूंकि आज का फंक्शन वगैरह आप लोग पढ़ लिए, तो आज का डिस्कशन केवल हम लोग इसी पे करेंगे, फॉर्मेटिंग सेल्स पे, यानी कि जैसा कैसा नंबर रखेंगे, कैसे टेक्स्ट रखेंगे, ये सारी बातों पे हमको आज डिस्कस करना है। तो पेज नंबर आपको 279 पता ही होगा। तो ये देखिए, ये जो आया डायलॉग बॉक्स फॉर्मेट सेल का, सामने दिख रहा है ना डायलॉग बॉक्स आपको? अरे माइक ऑन कर बताओ। तो ये चीज जो आ रहा है, ये सामने जनरल नंबर आ रहा है, ठीक है, जनरल नंबर आ रहा है। अब यहाँ पे अगर इसके डेटा टाइप को हम चेंज कर दें, यानी जनरल से उठा करके हम नंबर कर देते हैं, ठीक है। तो नंबर में आप देखिए कि डेसिमल प्लेसेस कितना लिखा हुआ है, बाय डिफॉल्ट 2 लिखा हुआ है, इसलिए 2 डेसिमल प्लेसेस ले रहा है। लेकिन अगर आप इसके डेसिमल प्लेसेस को 0 कर दीजिए, ठीक है, इसके डेसिमल प्लेसेस को हम क्या कर दिए, 0 कर दिए। तो 0 करके ओके करेंगे तो देखिए यहाँ का नंबर 26 ही हो गया, ठीक है। बाकी का पॉइंटिंग क्या हो गया, हट गया। यानी कि अगर अब सेल की फॉर्मेटिंग हमने कर दिया, अगर जबरदस्ती मैं लिखता हूँ कि 25.50 और इंटर करता हूँ तो लेगा ही नहीं, फिर उसी पे चला जाएगा, यानी कि डेसिमल पॉइंट ये हटा देगा, क्योंकि फॉर्मेट सेल पे आपने जाके यही किया है। तो आप यहाँ पे फिर इन फॉर्मेट सेल पे जाएं और फॉर्मेट सेल पे जा करके यहाँ पे डेसिमल पॉइंट क्या कर दें, यहाँ पे नंबर है तो मैंने जनरल लिया था, नंबर लिया, तो नंबर लेने के बाद मैं यहाँ पे 2 कर दूँ और ओके कर दूँ, तो देखिए वो नंबर यहाँ पे आ गया। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप नंबर्स को कैसे और किस आधार पे रखना चाहते हैं। केवल राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे जाना है और यहाँ पे देखिए करेंसी, करेंसी की बात कर रहे हैं भाई, करेंसी का मतलब है रुपया जो डॉलर में है या फिर अदर देश के जो करेंसी है, अमेरिका है, नाइजीरिया है, तो करेंसी का मतलब हो गया कि जिस कंट्री की करेंसी हम यूज़ कर रहे हैं उसका एक साइन के साथ आ जाएगा। ये अकाउंटिंग के लिए है, ये डेट एंड टाइम के लिए है। तो डेट एंड टाइम आपको पता है कि नाउ फंक्शन अगर हम यूज़ कर दें, NOW नाउ फंक्शन अगर हम यूज़ कर दें तो डेट एंड टाइम आ जाता है हमारे पास। तो खैर यहाँ से उसको करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास फंक्शन है पहले से, हम उसको डेट एंड टाइम में कर लेंगे। अब बात आती है कुछ और चीज़ें इसमें हमको देखेंगी है। ये तो हो गया कि जनरली कभी कभी होता क्या है कि हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर नहीं लिख पाते हैं, ठीक है। तो जब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर नहीं लिख पाते हैं तो हमको ऐसे ही लिखना पड़ेगा फॉर्मेट सेल में जा कर के। अब देखिए एक एरर मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, जैसे कुछ नंबर मैं यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है, 5555555 बहुत ज़्यादा नंबर मैंने दे दिया। तो ये देखिए हैज क्या लिख दिया, हैज क्यों लिख दिया, हैज लिखने के पीछे क्या कारण है? कारण बस यही है कि इस सेल में उतने नंबर क्या हो रहा है, एडजस्ट नहीं हो रहा है। आप वहाँ ऊपर जाइए, प्लस का सिंबल आएगा और इसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए और बढ़ाइए, आ गया। यही कारण होता है कि हैज कभी कभी हम लोग करते हैं, हैज आ गया, हम लोग सोचते अरे ये क्या हो गया, ये कैसा एरर हो गया। तो ये एरर का मतलब है कि सेल में वो सारी वैल्यूज पुट नहीं हो पा रही हैं। आपको सेल के साइज को क्या करना होगा, बढ़ाना होगा, ठीक है, बढ़ाना होगा आपके सेल के साइज को। तो आई होप कि ये दो तीन चीजें आपको समझ में आई हैं, आप लोग बता सकते हैं। ओके चलिए अब नेक्स्ट मैं बताता हूं कि टेक्स्ट पे काम करने का तरीका। ये टेक्स्ट ही लिखा हुआ है मेरे पास, VVP भागवत विद्यापीठ स्कूल लिख दिया मैंने, टेक्स्ट लिख दिया। चलिए ये मैंने ये टेक्स्ट लिखा, तो टेक्स्ट जब आप लिखोगे तो आप इसकी इसको भी अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, हम लोग अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। मान लीजिए कभी कभी टेक्स्ट लिखने का अलाइनमेंट सेट करना होता है, यानी कि सीधे लिखना है कि आपको मतलब थोड़ा सा 90 डिग्री के एंगल पे लिखना है ना। तो ये राइट क्लिक करिए, फॉर्मेट सेल में चले जाइए, ठीक है। फॉर्मेट सेल में जब आप चले जाओगे तो क्या होता है, अलाइनमेंट एक आता है। ये तो नंबर की बात है अभी बता दिए मैंने, तो ये अलाइनमेंट की बात आती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अलाइनमेंट शो कर रहा हो,
तो ये अलाइनमेंट की बात आ रही है, तो ये अलाइनमेंट आप इस सेल से, यहाँ देखिए ये वॉच की तरह दिख रहा है ना, वॉच घड़ी की तरह दिख रहा है, ये घड़ी की सुई की तरह दिख रहा है, डिग्रीज है, इसको डिग्रीज करते हैं, इसको ओरिएंटेशन बोला जाता है ना, कि किस तरीके से हम घुमाएंगे। अब इसको पकड़ के हम इस तरीके से घुमा देते हैं, ठीक है, देखें कैसे मैंने घुमा दिया। अब उसके बाद ओके करिए, देखिए आपका टेक्स्ट कैसा हो गया, कुछ समझ में आया बात बाबू? ओके, तो फिर आप इसको ये फॉर्मेट सेल में गए, फॉर्मेट सेल में जाने के बाद इसको फिर सीधे ऊपर की ओर कर दिए डिग्रीज में, ओके कर दीजिए, देखिए कैसे टेक्स्ट आ रहा है। फिर पहले के जैसा करना है, तो पहले के जैसा ये उठाया डिग्री ओरिएंटेशन की और यहाँ पे ला के रख दिया और ओके कर दिया, तो वैसे का वैसे आ गया टेक्स्ट, ठीक है। तो ये फॉर्मेट सेल में किसकी बात थी, अलाइनमेंट भी बात थी। अब अलाइनमेंट का मतलब क्या है, बोलिए। कौन है इंजीनियर का, रिक्वेस्ट कहाँ की है भेजने के लिए, बोलिए रिक्वेस्ट। हो गया है, देखिए हो गई निहारिका ऐड, अब बताएगा नहीं कोई। हाँ तो बोले ना, रिक्वेस्ट करे, स्क्रीन पे तो मैं आया हूँ देखने के लिए। अभी उसका रिक्वेस्ट मुझे शो नहीं कर रहा, ठीक है रिक्वेस्ट आएगा तो फिर देखेंगे, टाइम वैसे ही बहुत कम मिलता है। तो यहाँ पे हम बता रहे थे कि ये जो है अलाइनमेंट की बात आ रही थी, अलाइनमेंट मतलब आप समझ गए किस डिग्री पे हमको ले जाके आपको क्या करना है। अब जनरली जो अलाइनमेंट सेट होता है टेक्स्ट का, जो अलाइनमेंट सेट होता है VVP लिखा हुआ है, तो जनरल तो आप लेफ्ट सेंटर राइट फील जस्टिफाई सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन डिस्ट्रीब्यूटेड इंडेक्ट। तो आप देखिए ना, सेंटर अगर मैं कर देता हूँ, सेंटर कर दिया ना ऊपर, सेंटर कर दिया उसके बाद ओके किया, तो देखिए ये टेक्स्ट का अलाइनमेंट क्या हो गया, सेंटर हो गया, यानी इधर से जगह छोड़ दिया, इधर से जगह छोड़ दिया और बीच में सेंटर हो गया। यही अलाइनमेंट की बात होती है, और भी अलाइनमेंट होते हैं जैसे टॉप सेंटर बॉटम जस्टिफाई डिस्ट्रीब्यूटेड। तो अभी आप देखिए कि टेक्स्ट जो है आपका बॉटम में है ना, नीचे सेल के नीचे दिख रहा है, तो आप इसको टॉप कर देंगे, टॉप करने के बाद आप देखिएगा ओके करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टॉप पे चला गया। आज मैं यही चीज आपको बताऊंगा, डिस्कशन करना है, ठीक है। तो ये टॉप पे चला गया, तो आप जैसे चाहें फॉर्मेट सेल में जाने के बाद अपने किसी भी टेक्स्ट को अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। जैसे फॉन्ट, अब फॉन्ट में जैसे रेगुलर इटैलिक बोल्ड लिखना है, उसकी साइज को बढ़ानी है, तो ये पूरा साइज दिया हुआ है, जितना साइज आप चाहते हैं। उसके कलर्स को लिखना है तो फिर यहाँ पे कलर्स दिए हुए हैं, वो कलर्स आप यूज करके ओके करिए। मोर कलर्स चाहिए, और कलर्स चाहिए तो मोर कलर्स पे क्लिक करिए। यहाँ से स्टैंडर्ड कलर, कस्टम कलर, क्या नहीं है, सारी चीजें हैं, बस आपको क्या करना है, आपको करके देखना है, सारी चीजें हैं यहाँ पे, तो करके देखना है आपको। तो अभी तो बाय डिफॉल्ट कलर क्या है, बाय डिफॉल्ट कलर तो ब्लैक है, तो फिर मैं इसको कोई और कलर दे देता हूँ, जैसे येलो कलर दे देता हूँ, तो येलो कलर तो उतना दिखाई पड़ेगा नहीं, फिर इसको कोई और कलर दे देता हूँ, ओके कर दिया, देखिए कलर उसका चेंज हो गया है ना, जिसको हम चाहें उस अकॉर्डिंग। अब मान लीजिए फॉन्ट आप समझ गए, फॉन्ट कैसा लिखना है, ये तो फॉन्ट का स्टाइल है कि बोल्ड लिखना, बोल्ड चेंज कर लिया, फॉन्ट का साइज आपको बढ़ाना है, 26 कर दिया।
अब फॉन्ट फेस क्या रखना है, तो फॉन्ट फेस आप यहाँ से कोई भी उठा सकते हैं, दूसरा फॉन्ट फेस है, लिखने का है, राइटिंग स्टाइल कौन सा है, तो यहाँ पे कैलिबरी बॉडी लिया गया है तो कैलिबरी बॉडी हो गया। अब उसको ओके कर दीजिए, उस हिसाब से बड़ा दिख रहा है ना, तो इसको सेल को थोड़ा बड़ा कर देंगे, नीचे की ओर सेल को और घसका देंगे, तो देखिए थोड़ा सा बड़ा हो गया। तो इस हिसाब से हम क्या करेंगे, अपने टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अब बॉर्डर, बॉर्डर की बात आती है, अब सेल की बॉर्डर भी आप डिसाइड कर सकते हो। सेल की बॉर्डर का मतलब क्या है, कैसा बॉर्डर चाहिए, तो मैंने एक ये बॉर्डर चूज किया, ठीक है, ये बॉर्डर चूज कर लिया और बॉर्डर देख करके ओके कर दिया। फॉर्मेट सेल तो नॉन बॉर्डर हो गया, आउटलाइन ये हो गया, आउटलाइन, आउटलाइन पे करने के बाद ओके पे क्लिक, देखिए चारों तरफ बॉर्डर आ गया सेल के। एक तो ये बॉर्डर देने का तरीका है, दूसरा तरीका ये भी है कि आप यहाँ जो भी है इसको सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, सेलेक्ट कर लिया मैंने, और यहाँ पे आप देखिए है ना, किसी भी चीज़ का यहाँ पर ठीक बॉक्स बॉक्स बॉर्डर है, ऑल बॉर्डर है, तो ऑल बॉर्डर कर दीजिए, सारा बॉर्डरिंग आ जाएगा, सारा ऑल बॉर्डर आ जाएगा। अभी किसने रिक्वेस्ट भेजा, मैं निहारिका रंजन, हो गई है निहारिका कुमारी, बहुत जल्दी ऐड हो जाती है, टाइम के करिए, नेटवर्क इशू होगा, नेटवर्क इशू आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बॉर्डर बताया था, बॉर्डर आप सेट कैसे करोगे, तो दो तीन तरीके उसे मैंने बता दिया कि बॉर्डर आप कैसे सेट करेंगे, तो दो तीन तरीके हैं यहाँ पे बॉर्डर सेट करने का। फिर राइट क्लिक करके फॉर्मेट बॉर्डर सेट में जाएंगे, फॉर्मेट सेल में जाएंगे तो यहाँ से भी बॉर्डर चूज कर सकते हैं, फिल कलर वगैरह कोई भी कलर ले लीजिए, उसके अंदर बैकग्राउंड कलर के लिए आता है, तो बैकग्राउंड कोई भी कलर ले लेंगे, जैसे येलो ले लिया, येलो ले लिया, ओके किया, देखिए यहाँ पे क्या हो गया, येलो हो गया उसका बैकग्राउंड। तो मतलब ये फॉर्मेटिंग स्टाइल्स हैं, मतलब ये अपनी अकॉर्डिंग स्टाइल्स हैं, मोर कलर है तो मोर कलर से भी जाएंगे तो बहुत सारा कलर मिलेगा, है ना, फिल इफेक्ट्स पे जाएंगे तो बहुत सारा इफेक्ट कैसा देना, तो वर्टिकल इफेक्ट और डायगोनल इफेक्ट, मान लीजिए इसको हम चूज करते हैं, ओके पर क्लिक करते हैं, फिर हम ये इफेक्ट यहाँ डाल दें, यहाँ आ गए वो इफेक्ट सेल में, तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, बस आपको क्या करना है उन फैसिलिटीज़ का यूज करना। अब ये फॉर्मेटिंग स्टाइल्स आपका क्या हो गया, लगभग हम लोगों ने सारा कुछ कंप्लीट कर लिया फॉर्मेटिंग स्टाइल्स का, कुछ और चीजों पे डिस्कशन कर लें। अब जैसे यहाँ पे आप देखते हैं कि किसी भी चीज को बोल्ड करना है, तो नॉर्मल सी बात है, सभी कोई वर्ड से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो बोल्ड करेंगे तो कंट्रोल बी, यहाँ पे जैसे ये है बोल्ड करेंगे तो बोल्ड ऑटोमेटिक है, बोल्ड कर दिए, इटैलिक, ये थोड़ा इटैलिक हो गया, अंडरलाइन, अंडरलाइन हो गया, ठीक है। लेकिन ये अंडरलाइन तो आपको समझ में आ रहा है, अंडरलाइन हो गया, कंट्रोल यू से अंडरलाइन हो जाए, ये स्ट्राइक थ्रो क्या होता है, तो आप पहले आप देखेंगे कि जो स्ट्राइक थ्रो है वो क्या है, पूछा जाता है कभी कभी स्ट्राइक थ्रो का, तो स्ट्राइक थ्रो यहाँ देखिए, यहाँ पे डायलॉग आपके फॉर्मेट सेल वाले डायलॉग बॉक्स में स्ट्राइक थ्रो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे स्ट्राइक थ्रो, यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए और चेक कर दीजिए, ओके करिए, देखिए कट जाएगा बीच से, इसी को कहते हैं क्या, स्ट्राइक थ्रो, इसको हम लोग कहेंगे स्ट्राइक थ्रो। अब ठीक है, स्ट्राइक थ्रो का मतलब होता है, कभी कभी जरूरत है, होता है कि वर्ड लिखा हुआ है उसको बीच से हमको काट देना है कि गलत वर्ड लिखा हुआ है, और उस वर्ड को हटाना भी नहीं, हटाना भी नहीं है और बीच से काट भी देना है, तो ये हम राइट क्लिक करेंगे और फॉर्मेट सेल पे जाएंगे, ठीक है, फॉर्मेट सेल पे यहाँ नंबर होता है, अलाइनमेंट होता है, तो फॉन्ट पे चले जाएंगे, फॉन्ट पे चले जाएंगे, फॉन्ट पे जाके यहाँ स्ट्राइक थ्रो लिखा हुआ है, स्ट्राइक थ्रो के डायलॉग बॉक्स में उसके चेक बॉक्स में चेक कर देंगे,
चेक करने के बाद ओके पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे बीच से लाइनिंग क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो ये तो सिंगल स्ट्राइक थ्रो की बात हो गई। अब हम यहाँ पे डबल स्ट्राइक थ्रो की अगर बात करें, तो फॉर्मेट सेल पे गया मैंने, वो डायलॉग बॉक्स सेम खुला, तो ये स्ट्राइक थ्रो आया। अब आप यहाँ पे देखिए कि सुपर स्क्रिप्ट है, डबल स्ट्राइक थ्रो नहीं दिया, सुपर स्क्रिप्ट की बात कर रहा है। चलिए सुपर स्क्रिप्ट मैं बता देता हूँ कैसे होगा, तो वर्ड में भी पढ़े हैं आप लोग। यहाँ पे मैंने टू लिख दिया, ठीक है, टू एवीपी टू, टू को आप सेलेक्ट करिए, फॉर्मेट सेल सुपर स्क्रिप्ट, ओके। टू कहाँ चला गया, एवीपी स्क्वायर हुआ ना, नहीं हुआ। सुपर स्क्रिप्ट का मतलब समझ में आ गया कि अगर ए स्क्वायर लिखना है आपको, ए स्क्वायर लिखना है, तो ए टू तो लिख देंगे, ए स्क्वायर कैसे लिखेंगे फिर। तो ए स्क्वायर लिखने का तरीका है, स्क्वायर को आप सेलेक्ट करिए, फॉर्मेट सेल पे जाइए, टू को सेलेक्ट करेंगे, सुपर स्क्रिप्ट को चेक करेंगे, ओके करेंगे, ए स्क्वायर लिख देगा, आया ए स्क्वायर। लेकिन अगर नीचे अगर टू को लाना है उसके बेस में ले आना है, तो फिर ए टू लिख देंगे और फिर टू को सेलेक्ट कर लेंगे, टू को सेलेक्ट करके राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल और सब स्क्रिप्ट पे चेक कर देंगे। सब स्क्रिप्ट पे चेक करेंगे, देखिए बेस में आ गया टू। कभी कभी केमिकल फार्मूला वगैरह जब हमको लिखना होता है, केमिकल रिएक्शंस का फार्मूला वगैरह लिखना पड़ता है, तो इस तरह की ज़रूरतें आती हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज़ हैं कंप्यूटर में, बस आपको क्या करना है, यूज़ करना है सारी चीज़ों का। तो ये सारा चीज़ क्या था, आपने अलाइनमेंट सीखा, आपने डेटा टाइप सीखा, फॉन्ट सीखा, फॉन्ट फेस सीखा, जो भी आपके सेल्स हैं उसके बॉर्डर कैसे लगाएंगे वो सारा चीज़ सीखा, स्क्रिप्ट कैसे लगाएंगे वो सारा चीज़ सीखा। तो ये चीज़ बॉर्डर बहुत इजी है। ये देखिए ना, ये तीनों सेल में जहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये तीनों सेल में तो कोई बॉर्डर है नहीं, ठीक है। इस तीनों सेल को आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक, और यहाँ तो बॉर्डर है ना, इधर बॉर्डर लगाना है, बॉटम टॉप लेफ्ट राइट बॉर्डर नहीं लगाना है, तो नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर में लगाना है तो ऑल बॉर्डर कर दीजिए, सारा में बॉर्डर लग गया ना, सारे में बॉर्डर लग गया, देखिए दिख रहा है पूरा बॉर्डर, और बाकी सेल्स में बॉर्डर नहीं दिख रहा, ये बॉर्डर दिख रहा। तो इस तरीके से भी आप बॉर्डर लगा सकते हैं। बाकी रह गया कि टॉप बटन करने का, तो आप यहां से भी तो कर सकते हैं, राइट फॉर्मेट सेल पे भी कर सकते हैं, या फिर जिस सेल को करना है यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए, ये देखिए मिडिल का है तो मिडिल में चला जाएगा, और ये देखिए ऊपर का है यानी कि टॉप अलाइनमेंट है तो टॉप में चला जाएगा। मतलब फैसिलिटीज हैं और हर जगह है, बस आपको यूज करना है। अब ये आपका कुछ नंबर लिखा हुआ है तो ये राइट करेंगे तो राइट हो जाएगा, लेफ्ट करेंगे लेफ्ट हो जाएगा, है ना। यहाँ देखिए राइट सेंटर लेफ्ट लेफ्ट, देखिए कैसे कैसे आ रहा है। इस तरीके से आप करेंगे तो आपको सारा चीज़ फॉर्मेटिंग, सेल सेल में कैसे काम करते हैं, फॉर्मूला फंक्शंस तो हम लोग कर ही लेते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ कब यूज़ की जाती है। देखिए एक्सेल में ऐसा नहीं है कि केवल कैलकुलेशंस बनाएंगे, एक्सेल में ऐसा होता है कि कभी कभी हमें मार्कशीट प्रिपरेशन करना पड़ता है, मार्कशीट बनाना पड़ता है किसी का। तो मार्कशीट की तो डिज़ाइनिंग आप देख रहे हैं कि कैसे होती है, मार्कशीट आपका आता ही है, या फिर कॉलेज का मार्कशीट हो, स्कूल का मार्कशीट हो, तो उस हिसाब से आपको सेल में भी तो काम करने आना चाहिए, सेल को और अच्छा बनाने आना चाहिए, सेल को और अट्रैक्टिव बनाने आना चाहिए। तो अट्रैक्टिव आप कब बनाओगे, अट्रैक्टिव आप तब बनाओगे जब आपको सेल के अंदर फॉर्मेटिंग करने का सारा तरीका मालूम। तो ये फॉर्मेटिंग करने का तरीका था सेल के अंदर, तो ये चीज़ समझ में आ जाएगा। तो दो चीज़ें आप प्रिपेयर कर लोगे, एक सैलरी सीट, किसी का सैलरी सीट आराम से बना सकते हो, और किसी का मार्कशीट आप आराम से बना सकते हो। मैं होमवर्क दूंगा और होमवर्क आप लोग चेक भी कराएंगे,
कुछ इम्पॉर्टेंट जब मैं इसको ख़त्म कर लूँगा, यानी कि जो हमारा सिलेबस है उसको कंप्लीट कर लेंगे, तो होमवर्क मैं दूंगा आपको। और होमवर्क आपको स्कूल में आके भी चेक कराना है, ऐसा नहीं है कि स्कूल आना जाना आपको रोका गया है, नहीं, आप आ करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करा करके आप जा सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आना स्कूल आना ही बंद कर दे, तो होमवर्क मैं दूंगा आपको, स्कूल आना भी होगा और होमवर्क चेक कराना भी होगा। तो अभी नहीं, अभी तो मैं सिलेबस कवर करूंगा आपका, बस हम लोग सिलेबस के कवर के समीप हैं, नज़दीक आ चुके हैं। अब अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आप लोगों को किसके बारे में, चैट के बारे में। चैट भी होता है, तो चैट क्यों बनाया जाता है, तो चैट एक ग्राफिक्स पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है वर्कशीट में। और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन किसी चीज़ का क्यों बनता है, इस वजह से बनता है कि और उसको अंडरस्टैंड करना, उसको समझना और आसान हो जाए, है ना। मान लीजिए कि कोई सेल्स की कंपनी है, तो आपको सेल्स दिखाना है कब से, 2015 से और 2020 तक सेल्स रिपोर्ट दिखाना है, तो सेल्स रिपोर्ट दिखाएगा तब ना बताइएगा 2015 में सेल्स रिपोर्ट मतलब सेलिंग हमारा बढ़ा, 2016 में सेलिंग सेल हमारा कम हुआ, तो ये चीज़ कैसे आप दिखाएंगे 2020 से। तो अगर एक नॉर्मल सा अगर डेटा हम बना दें तो फिर उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन उसको अगर आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आप तैयार करें, यानी कि ग्राफिक्स में चैट्स की यूज़ करके उसको तैयार किया जाए, तो उसको अंडरस्टैंड करना, उसको समझना काफ़ी आसान हो जाता है। तो यही होता है चैट, चैट और ग्राफ्स आर द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्कशीट डेटा। चैट प्रेजेंट वर्कशीट डेटा इन अ ग्राफिकल और अ पिक्टोरियल फॉर्म और विच इज ईजियर टू रीड एंड अंडरस्टैंड, यानी कि जिसको रीड करना और जिसको समझना काफ़ी आसान हो जाता है, कि कोई अननोन पर्सन भी अगर उसको देखे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को, तो भी वो आसानी से बता सकता है आपके रिपोर्ट के बारे में, ठीक है। इस वजह से हम लोग चैट का यूज़ करते हैं, चैट्स का यूज़ करते हैं, ग्राफ्स का यूज़ करते हैं किसी तरह के डेटा सीट को दिखाने के लिए। तो ये डेफिनेशन यहीं तक हम लोग रहने देते हैं, ये डेफिनेशन आप याद कर लीजिएगा, व्हाट इज चैट और चाहे ग्राफ्स और बाकी सब फॉर्मेटिंग मैंने बताया, उसको एक बार आप लोग अपने कंप्यूटर पे या फिर अपने मोबाइल पे ही एक बार करके देखिएगा, ठीक है। और उसको करके देखिएगा, रिपीट कर लीजिएगा, तो समझ में आ जाएगा। और कोई बात अगर समझ में नहीं आती है तो दो बातें, या तो आप मुझसे पूछ लीजिए डायरेक्टली, या फिर आप मेरे वीडियो को, ये वीडियो जो अभी आप लोग देख रहे हैं, ये वीडियो अपलोडेड रहेगा यूट्यूब पर, आप इसको बार बार रिपीट करके देखिए, तो भी बात को अच्छे से हम लोग समझ जाएंगे। तो थ्योरी से अच्छा होता है प्रैक्टिकली समझना, हम तो यहाँ पे थ्योरी भी बता रहे हैं और प्रैक्टिकल भी आप लोगों को करा दे रहे हैं, ताकि सामने सामने सब कुछ नज़र आ जाए और सब कुछ आपके दिमाग में सेट हो जाए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में चैट्स के बारे में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए थैंक यू, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। Thank you.